जनपद बहराइच के थाना रिसिया क्षेत्र की निवासी विवाहिता महिला ने पुलिस को बताया था कि गांव के ही चार लोगों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है, जिसकी शिकायत महिला ने सोनवा थाना पुलिस से की थी, जिस पर सोनवा थाना पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत भी किया गया था तथा घटना की पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने गांव का दौरा कर पुलिस अधिकारी व सनलाइन टीम को लगाया था। जब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो उन्हें एक गड़ी हुई कहानी मिली। कई बार कहानी इतनी सावधानी से गड़ी जाती है कि अपराधी पकड़ में नहीं आते, लेकिन बहुत बार पकड़े भी जाते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। महिला ने एक सहयोगी से मिलकर पुरानी रंजिश की वजह से विपक्षी को गैंगरेप के आरोप में फंसाना चाहते हुए ये कहानी रच डाली। हद तो तब हो गई जब महिला ने आरोप सिद्ध करने के लिए अपने सहयोगी मुननपुर प्रधान से अपने ही साथ शारीरिक संबंध बनाकर विपक्षी को फंसाने की साजिश रच डाली। पुलिस के कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए महिला ने बताया कि फर्जी गैंगरेप की कहानी बनाकर आरोप पंजीकृत कराया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक सोनवा द्वारा अभियोग झूठा पाए जाने पर अभियोग खारिज करते हुए फर्जी शिकायतकर्ता के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तीन मुकदमा इनके पर करवाई थी तो हम भी डांट देकर परेशान हो गए, तो हम अपने मर्जी से करवाए। मतलब फर्जी तरीके से आपके साथ कुछ हुआ नहीं है जी? जी हाँ, हमारे पर कलावती पर करा चुके, दूसरे बच्चों की रंजिश में चार मुकदमा करा चुके और साहब न्यायालय में चल रहा है और हम लोग थोड़ा दूर दूर कृषिया परेशान हो। तब साहब हम उन्होंने कहा ये कहे लागे कि अब हम कहाँ ले डांट दी, अब हम लिखाई तो ये साजिश इसलिए लिखावागा साहब कि ये सुलह हो जाए हम सुलह हो। तो मतलब मुकदमा खत्म करने के लिए आपने फर्जी मुकदमा लिखवाया? जी। देखिए ये जो अपराध की सूचना आई थी इसके कई पहलू हैं, एक इसका सामाजिक पहलू है, एक अपराधी है। घटना इस तरह से है कि आवेदिका जो पीड़िता है उसने एक प्लाट रच करके सूचना दिया है। पहले तो मैंने इसको सही माना, इन्होंने सूचना दिया है कि मेरे साथ फला 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 चार पांच लोगों ने बलात्कार किया। मुझे सूचना मिली कि गैंगरेप हो गए हैं, हम भी गए मौके पे, हमारे क्षेत्राधिकारी भी गए, हम लोग जाके इसको देखे, उनका अभियोग पंजीकृत कराया ये मानते हुए कि चलो ठीक है आवेदिका जो भी कह रही है सत्य कह रही है, हम उसको सत्य मान के चलते हैं। लेकिन प्रथम दिन ही थोड़ा सा इसमें संदेह पैदा इसलिए हो गया कि जिन पे आरोप इन्होंने लगाया था वो व्यक्ति एक है, उसका नाम होली है कह लो, और उसका बेटा, उसके दो बेटे के खिलाफ आरोप लगाए कि गैंगरेप इन्होंने साथ में किया, और एक उसकी बहन है आरोपी की शांति, जिसको कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे बच्चे को पकड़ लिया जिससे वो लोग बलात्कार कर सके, मतलब बहन ने बलात्कार कराने में उसका उपयोग करा है, एक उसका भाई। तो प्रथम दृष्टया लगा कि जैसे कुछ इसमें फैब्रिकेशन हो सकता है, फिर भी मैंने कहा अगर ऐसा कुछ होगा तो साक्षियों के द्वारा इसको समर्थित किया जाएगा, क्या सही कहने लगता है, हो सकता है अगर किया ही वो लोगों ने कोई भरोसा नहीं किसी का, तो हम लोग इसको साक्ष्य एकत्रित करना चाहिए। तो कहानी इस तरह से निकल के आई कि ये जो वहां पे एक मतदान है प्रधान थे, पूर्व प्रधान हारे हुए, ये प्रधानी की रंजिश है। मैंने इसीलिए कहा कि सोशल भी है इसमें एक अपराध का, तो हमारे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं उस लिहाज से मैंने कहा कि ये जो है ये प्रधान जी ने इसको फैब्रिकेट किया, इस केस को फैब्रिकेट किया, इस महिला को बहला के फुसला के यूज करके इसका पति जो है बाहर विदेश रहता था तो वो लेके इसको चले, और हद तो तब हो गई जब इन्होंने बलात्कार को प्रूव करने के लिए आपस में संबंध ही बनाए। ये पीड़िता ने महिला ने खुद बताया बाद में जब उसका कॉन्शस जागा होगा सही बात बताने के लिए, या वो घिर गई होगी साक्षों में, उसने खुद बताया इसको, तो इन लोगों ने इस तरह प्लाट किया और नेम कर दिया। हम लोगों ने तफसील शुरू की, मैंने पूछा आपने अपने पति को बताई ये बात? सबसे पहले कोई पत्नी अपने पति को बताती है, कोई घटना हो चाहे दुर्घटना हो चाहे कोई अच्छी बात भी होती है, तो उन्होंने कहा मैंने बताया। मैं कैसे बताया? वो जो कि सऊदीया में रहता है, बोले मैंने बता दिया था, ऐसे बताया वैसे बताया, वो जस्टिफाई नहीं कर पाई। कुछ मीडिया के लोग वहाँ बैठे हुए थे, उस समय बैठे हुए थे पत्रकार लोग, तो नहीं बता पाई ये। तो बाद में मैंने और भी लोकेशन निकाली,
तो जब बातें फूटती हुई आई तो एकदम स्पष्ट हो गया कि वहां से चलते हैं दोनों के सिम साथ साथ चलते हैं, मतदान के और महिला के, वहां पे आती है सिम को तोड़ के फेंक देती है, नया सिम लगाती है। ये सारी चीजें बिल्कुल डली प्रूव्ड हो चुकी है। तो इनके आपराधिक इतिहास निकाले गए, इनके आपराधिक इतिहास बहुत सारी इनके मुकदमे की रंजिश निकाली गई, तो उसमें निकल गया है कि तीन मुकदमे ये करा चुके हैं मन्नान होली के खिलाफ पहले से, और तीन चार मुकदमे होली करा चुके हैं मन्नान के खिलाफ। तो ये टूट गए बोले साहब हम इन्हीं मुकदमों में कंप्रोमाइज करने के लिए कहानी लड़ी है। मैंने देखा कि इनकी भी अपनी एक समस्या है, जिन भी कारणों से ये डेवलप होते होते इन तक पहुँच गया केस, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, जिन लोगों ने तय किया कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गलत हुआ। फिर मैंने इसका कलमबंद बयान कराया, मेडिकल करवाया, सारी फॉर्मेलिटी कराई जैसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसमें भी ये 164 के बयान में भी इन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। ऐसा सुनवा सर देख लिया ना बयान आपने, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि गलती हुई, जब पूरी तरह प्रूव हो गया और इन लोगों ने ये भी एक वादा किया कि सर मुकदमे से हमें निजात नहीं मिलेगी, आज मेरी आंख खुल गई है, अब हम मुकदमे परस्पर नहीं कराएंगे, अपनी गलती मिलती है, मैंने इस मुकदमे को पंजीकृत किया, इन्वेस्टिगेशन किया और अभी इसको आगे साक्ष्यों के आधार पर खारिज करेंगे। आप लोगों को बताने का यह मकसद था कि इस तरह से इन्होंने ये गलत अभियोग पंजीकृत इंस्ट्रूमेंट बनाने का प्रयास किया, और पुलिस ने सक्रियता से, हमारी टीम ने, एसओ शर्मा ने पूरी जिम्मेदारी से सारे साक्ष्यों को एकत्रित किया, और मतलब अगर हम यूं ही कहने कोई घटना खारिज कर दें तो ठीक नहीं होता है, साक्ष्यों से समर्थित और इतने कन्विंसिंग और अकाट साक्ष्य हैं कि ये विवश हो गए स्वीकार करने के लिए शर्म से। सर क्या जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया था उनपे इनपे विधि परामर्श करके जो भी बनता होगा इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाएगी, इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा।